कोरोना महामारी के चलते पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने वाले कोरोना फाइटर्स के लिए घमापुर थाना प्रभारी व एक निजी महाविद्यालय के प्रोफेसर के द्वारा कोरोना फाइटर्स को एक सौगात दी गई है, जिसके चलते कोरोना फाइटर्स के लिए क्लासेस शुरू की गई हैं। साथ ही जिस कोरोना फाइटर्स का जिस क्षेत्र में रुचि होगी उस क्षेत्र में उसका गाइडेंस किया जाएगा। जानकारी देते हुए प्रोफेसर ने बताया कि उनके द्वारा सोशल चौकीदार एक मुहिम चलाई गई है, जिसके चलते घमापुर थाना प्रभारी के द्वारा प्रोफेसर से कहा गया कि कोरोना फाइटर्स पुलिस का सहयोग करके इस महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर हमें अपना वर्तमान दे रहे हैं, तो हम भी इनका भविष्य बनाना चाह रहे हैं। जिसके बाद प्रोफेसर के द्वारा इन कोरोना फाइटर्स के लिए शेड्यूल क्लासेस शुरू की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना फाइटर्स को उनकी रुचि के अनुसार उन्हें आगे गाइडेंस दिया जाएगा। तो यूँ ही बात चलते चलते फिर जब मुझे लगा कि ये बच्चे जब हमें हमारे विभाग को समाज को अपना वर्तमान दे रहे हैं इस कोरोना वार में, जब दूसरे बच्चे घरों में हैं, ये बच्चे के अंदर मैंने ये समझा कि इनके दिल में कहीं ना कहीं जज्बा है देशभक्ति का, तभी तो ये सड़क पे खड़े होकर दिन रात से हमारे साथ काम किए हैं। तो जब इन बच्चों ने अपना वर्तमान मुझे दिया, मेरे विभाग को दिया, समाज को दिया, राष्ट्र को दिया, तो मेरे मन में विचार आया और फिर मैंने डॉक्टर साहब से बात किया कि हम क्यों ना भविष्य के लिए इनको कुछ मार्गदर्शन दें। और निसंदेह है कि बच्चे बहुत परिश्रमी हैं और ईमानदार भी हैं और समर्पण की भावना भी है, बस कमी थोड़ी सी थी कि इनको सही मार्गदर्शन और दिशा नहीं मिल पा रही थी, तो वो हमने सेलेक्ट करना शुरू किया। डॉक्टर साहब से बात करी, डॉक्टर साहब ने भी अपने सोशल चौकीदार ग्रुप में जाके बात की, फिर वो बात धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो चलिए देखते हैं भविष्य में, हम और डॉक्टर साहब की टीम बड़े होपफुल हैं कि ये अच्छे नागरिक बनेंगे और भविष्य में हमारे राष्ट्र की सेवा करने के लिए आगे। हमने यहाँ देखा था कि इसके पहले लगातार कोरोना फाइटर्स के साथ जो कोरोना फाइटर्स है वो नई नई चीज़ सीख रहे थे, उसी कड़ी में सोशल चौकीदार ये एक नाम दिया गया था। और उस नाम के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि सोशल चौकीदार किस तरीके से पूरे जबलपुर में फैले। और उसके बाद घमापुर चौराहे की अगर हम बात करें तो घमापुर चौराहे में एक नई चीज़ देखने मिल रही है कि जो कोरोना फाइटर्स है उनको बाकायदा क्लासेस के नाम से उनकी जॉब के अनुसार वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, उसके अनुसार क्लासेस चालू की। सर सबसे पहले आपका नाम? डॉक्टर निखिल रंजन झा, सिंगल एक्शन कॉलेज में फिजिक्स का प्रोफेसर। सर कैसे दिमाग में आई ये बात कि उनको कोरोना फाइटर्स तो बहुत थे, लेकिन दिमाग में ये कैसे आया कि ये लोग जो हैं ये बाकायदा युवा हैं और कहीं ना कहीं पढ़ भी रहे हैं, तो इनको आगे जाके की कोचिंग दे दी? सबसे पहले बात तो ऐसे शुरू हुई, जैसे ही लॉकडाउन लगा तो सब पूरा समाज घर के अंदर था और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसके पास सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की थी और पुलिस के साथ कोरोना फाइटर्स जुड़े हुए। पुलिस की सुरक्षा कौन करे? जैसे ही सीएसपी केसवानी और उनके साथ चार पांच पुलिस इन्फेक्टेड हुई तो ऐसा लगा कि अगर पुलिस इन्फेक्टेड हो जाएगी तो फिर समाज को कंट्रोल करने वाला फिर व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। यही सोच करके हम लोगों ने सोचा कि ये एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम लोगों ने मिलकर के ये सोशल चौकीदार करके मुहिम शुरू की। और उसी मुहिम में यहाँ घमापुर थाना क्षेत्र में टीआई साहब से मुलाकात हुई और यहाँ से फिर हम लोगों का काम शुरू हुआ, जिसमें उस समय सैनिटाइजर्स और यानी होम्योपैथिक दवाई वगैरह तब तक पुलिस महकमे तक पहुँची नहीं थी। तो शुरुआत में हम लोगों ने ये यहाँ से शुरू किया, फिर इसके बाद सीएसपी साहब जो हैं धर्मेश दीक्षित जी उनके माध्यम से रांची थाना, उसके बाद खमरिया थाना, उसके बाद पूरे जबलपुर में हम लोगों ने बांटा। साथ ही ये मुहिम क्योंकि घमापुर थाने से शुरू हुई तो घमापुर थाने के टीआई साहब जो हैं शैलेश मिश्रा जी निश्चित रूप से बड़े दूरदृष्टि रखते हैं और बड़े कर्मठ हैं और उन्होंने ये कोरोना फाइटर्स के लिए हम लोगों से संपर्क किया और उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आप लोग सोशल चौकीदार की मुहिम के तहत लोगों की सेवा तो कर ही रहे हैं, ये जो कोरोना फाइटर्स हैं ये हमें अपना वर्तमान दे रहे हैं जीवन के रिस्क पे लेकर, तो मैं चाहता हूँ कि इनका भविष्य मैं दूँ। और ये कह करके उन्होंने जब कहा कि ये हमको इनके भविष्य की कुछ तैयारी करनी है तो हम लोगों ने फिर बोला कि हाँ बिल्कुल हम लोग इसमें मदद करेंगे। और इनके लिए फिर हम लोगों ने ये शेड्यूल क्लासेस किए, तो इसमें अभी दो क्लासेस हुई थी, इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट का एक अभी हम लोगों ने फॉर्मेट दिया था वो भर के अभी दे दिया है। इसके बाद जिनका जो क्षेत्र होगा रुचि का उसके अनुसार हम लोग इनका गाइडेंस देंगे।
अब इसमें ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं, श्री मोहन चक्रवर्ती जी हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। इसके बाद वो क्लासेस का नाम है 10 PM क्लासेस, और ये जो भी इनको गाइडेंस दिया जाएगा, चाहे वो अगर स्वयं का बिजनेस या धंधा शुरू करना चाहते हैं उसके लिए गाइडेंस दिया जाएगा, कोई प्रोफेशनल अगर गाइडेंस अगर चाहेंगे तो प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए हम लोग जर्नलिज्म हो, वकालत हो, CA हो, इस तरह का प्रोवाइड करेंगे। कोई गवर्नमेंट में जाना रहेगा तो उसके लिए, और इस तरह से हम लोगों का पूरा नियोजन। धन्यवाद सर, लेकिन लीड स्टार परिवार भी आपको थैंक्स कहना चाहेगा कि आपने इस तरीके से नई दिशा दी, और ऐसे लोग अगर सामने आते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाज को एक गति मिलती, युवाओं को जो है वो आगे बढ़ने के चांस मिलते हैं, उनकी सोच में भी फर्क आता है। हमारे साथ मोहन जी भी जो नमस्कार, आपको क्या लगता है, दूर से बोलना पड़ेगा, क्या लगता है जो युवाओं से आप बात कर रहे हैं, ये है इनके अंदर इतना? हाँ सर, मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया में कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई काबिलियत ना हो। तो ये जितने भी कोरोना फाइटर्स हैं, इन सबके अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत है, बस ज़रूरत है कि किसके अंदर कौन सी काबिलियत है उसको पहचानने की, और हम उसी काबिलियत को निखारने की, उसको पॉलिश करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और हम चाहते हैं कि जो इनके अंदर का पोटेंशियल है, क्षमता है, वो क्षमता है वो अपने सामने प्रस्तुत करें तो दुनिया वो जीत सकते हैं। पूरा खुला जगत है, हर चीज़ें इनको ईजी अवेलेबल है, तो वो जितना अच्छी मेहनत से अपने आप को पहचानेंगे, जितने अच्छे से अपने हुनर को पॉलिश करेंगे और अपनी हुनर को इनकैश करेंगे, उतना वो दुनिया में अपनी तरक्की कर सकते हैं। हाँ जी सर, क्लासेस बता दीजिए आप हमारे चैनल के माध्यम से कितने बजे से कितने बजे का काम कर रहे हैं। हाँ, और अगर कुछ मान लो कोई और लोग भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, हमारी जो क्लासेस है वो प्रज्ञा क्लासेस के नाम से निःशुल्क ऑनलाइन चलती है। तो गूगल का मीट ऐप है, मीट ऐप के माध्यम से नाइट में 9 बजे और सुबह 8 बजे ये दो क्लासेस दो अलग अलग विषयों की हो रही हैं अभी फिलहाल, और हम पर डे इसको 4 क्लासेस तक लेके जाएंगे कि पर डे एक स्टूडेंट को 4 क्लासेस मिलेगी। वो चारों क्लासेस में ज्वाइन करने का तरीका सिंपल सा है, आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, मीट ऐप में एक मीटिंग आईडी होगी, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जितने भी स्टूडेंट इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं उस आईडी के थ्रू आप लॉगिन करेंगे तो आप हमारी क्लास में, जो ये मैं दिखा सकता हूँ अभी आपको, ये ऑनलाइन भी चल रही है हमारी क्लासेस, इस तरीके से ये स्टूडेंट अभी लगातार ज्वाइन होते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जिस तरीके से ये पढ़ाया जा रहा है, ये हम इस टॉपिक को अभी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जा रहा है तो इस तरीके से हम ये टॉपिक पढ़ाते हैं, इसमें स्टूडेंट्स ऐड होते जाते हैं। ये अभी स्टार्ट हो गई है 9 बजे वाली क्लास, तो इस तरीके की प्रोसेस है, सारे स्टूडेंट इसमें ज्वाइन होते जाते हैं और इस तरीके से वो अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं। हम उनको पूरा असिस्ट करने के लिए यहाँ से तैयार हैं।